विदिशा जिले में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहित रघुवंशी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहर की सड़कों में हुए गड्ढे और अव्यवस्थाओं को लेकर एक रैली निकाली। साथ ही रैली निकालकर शहर की अव्यवस्थाओं, खुदी हुई सड़कों, स्ट्रीट लाइट को लेकर नगर पालिका में ज्ञापन सौंपा। बता दें कि ज्ञापन सौंपने के दौरान जब सीएमओ को बुलाया गया तब नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा नियुक्त किए गए प्रभावी सीएमओ अनिल बिदुआ मौके पर आए, लेकिन कांग्रेस ने कलेक्टर द्वारा नियुक्त सीएमओ मनोज उपाध्याय को बुलाया। ऐसे में वो नहीं आए तब कांग्रेस पार्टी ने प्रतिनिधि के रूप में वहां तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ज्ञापन दिया। साथ ही कांग्रेस ने ज्ञापन देकर 7 दिन की मोहलत दी है कि शहर के हालात सुधरे। 7 दिन बाद भी अगर हालात नहीं सुधरे तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष आशीष महेश्वरी ने 15 अगस्त तक नपा कर्मियों के वेतन न मिलने पर आमरण अनशन की भी बात कही। विदिशा शहर में नगर पालिका की उदासीनता को लेकर जिस तरीके के विदिशा नगर में जनप्रतिनिधियों के भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक अध्यक्ष पार्षदों में जिस तरीके की गुटबाजी है उसको लेकर हमने आज नगर पालिका में जिस तरीके सीएमओ पिछले 2 माह से नहीं है, 2-2 सीएमओ को चार्ज है। हम प्रशासन और शासन को ये आगाह करने आए और 1 हफ्ते का हमने अल्टीमेटम दिया है कि विदिशा शहर की प्रमुख समस्याएं सड़क, नाले, नालियाँ एवं गौ माता की अगर व्यवस्था नहीं की गई तो 1 हफ्ते के अंदर हम विदिशा की नगर पालिका के सीएमओ चैम्बर एवं अध्यक्ष के कार्यालय में तालाबंदी करेंगे, हल्ला बोल कार्यक्रम करेंगे। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम यहाँ आए थे विदिशा शहर की जो दुर्दशा हो रही है, पिछले 25-30 सालों में इतना बुरा हालात कभी भी शहर के नहीं हुए थे। हम यहाँ ज्ञापन देने आए थे नगर पालिका सीएमओ को, लेकिन यहाँ का तमाशा देख के हमें बड़ा अचरज की स्थिति बनी। कौन नगर पालिका सीएमओ है? ये 1 लाख की नगर पालिका, यहाँ अधिकारियों को ये नहीं मालूम नगर पालिका का सीएमओ कौन है। एक दिन की नेताजी की चलती है उनने नगर पालिका के एक विधवा जी को बिठा दिया, एक दूसरे नेताजी की चलती है तो उनने किसी SDM को चार्ज ला दिया। बड़ी विडम्बना है। आखिरकार हमने एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को यहाँ पर ज्ञापन देकर शहर की दुर्दशा को ठीक करने की मांग करी। शासन का मामला है, शासन जिसको कर देगी वो सीएमओ रहेंगे। अभी कलेक्टर साहब ने SDM साहब को चार्ज दिया है, वो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं। वेतन के लिए भी मांग लेके आए थे, गाय वगैरह जो रोड पे हैं उनके लिए मांग लेके आए थे, गड्ढे वगैरह हो रहे हैं उनके लिए मांग लेके आए थे। तो प्रशासन की तरफ मैं भेज दूंगा पत्र, वो जो समुचित होगी वो। तो वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ विदिशा से संवाददाता अजय सिकलवा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से देखा जाए कि अव्यवस्थाओं से कांग्रेसी काफी परेशान हैं और उसी को लेकर इस तरीके से प्रदर्शन भी किया गया और साथ ही नगर पालिका में ज्ञापन भी सौंपा गया है, पूरा मामला क्या है और कांग्रेसियों की ओर से क्या मांग की गई है? जी आकांक्षा जी, कल विदिशा जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मोहित रघुवंशी जी और उनके पदाधिकारी जनप्रतिनिधि के द्वारा नगर पालिका का रैली निकाली गई। उनका ये कहना है कि काफी लंबे समय से नगर पालिका किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है विदिशा की ओर पे। कल सड़कें पूरी खराब पड़ी हुई हैं, नाले खराब पड़ी हुई हैं और गौ माता पे किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है उनके लिए कि गौ माता का कहीं पे उनको सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि वो गौ माता कई रास्तों पे बैठी होती है जिनके का आने जाने में दिक्कत पड़ती है। कई बार तो उनके द्वारा उन गाड़ियों से उनके एक्सीडेंट हो जाते हैं जी। अब वो उनका ज्ञापन देने के लिए उनका कहना है कि बीजेपी के विधायक अध्यक्ष पार्षद द्वारा जो गुटबाजी चल रही है और पिछले 2 माह से कोई भी नगर पालिका में प्रमुख नगर पालिका अधिकारी नहीं है। जब वो ज्ञापन देने गए, ज्ञापन के द्वारा उनने फोन पे बात करी, जो अभी कहने के लिए 2-2 सीएमओ से बात की गई तो उनके द्वारा कोई रिप्लाई नहीं आया और ना ही कोई यहाँ व्यवस्था की गई कि वो यहाँ पे आए। जब वो वहाँ पे कोई नहीं पाएगा तो उनकी नाराजगी काफी रही। उनने बोला कि मैं 7 दिन तक का अल्टीमेटम दिया जा रहा है, यदि 7 दिन के अंदर अंदर इस पे कोई कार्यवाही नहीं कही या कुछ प्रतिक्रिया नहीं बताई गई तो हम नगर पालिका के अध्यक्ष और सीएमओ के यहाँ कार्यालय पे तालाबंदी करेंगे और हल्ला बोल करेंगे। उनके द्वारा जो ज्ञापन देना था, ज्ञापन के लिए कोई अधिकारी नहीं गए, जो अधिकारी आए उनके द्वारा उन्हें मना कर दिया, कहीं नहीं गया आप सीएमओ जी को भेजें। फिर उनने वहाँ पे जो प्यून है उनके द्वारा उनको ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद उन्होंने कहा जो भी है जिसको अधिकारी आप मानते हैं, जो भी अधिकारी हैं आपके यहाँ वर्तमान में उनको आप ज्ञापन दीजिए और ये ज्ञापन की प्रतिलिपि हम कलेक्टर साहब को दी जाएंगी। अजय, कितने दिन की मोहलत दी गई है नगर पालिका में, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया गया है ये भी माना जा रहा है कि इस तरीके की समस्या काफी समय से देखी जा रही होगी, तो अब अगर बात करें तो जो प्रदर्शन किया गया है इसके बाद कितने दिन की मोहलत दी गई है और आगे क्या कुछ अहम उठाए जा सकते हैं कदम कांग्रेस की ओर से? आकाश जी, 7 दिन की मोहलत दी गई उनके अनुसार, 7 दिन के बाद यदि कोई कार्यवाही नहीं गई या हमें बताया नहीं गया कि आप इसके आगे क्या करना चाह रहे हैं, क्या निर्णय लिया आपने 7 दिन के अंदर, आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं सड़कों के लेके, नालियों को लेके और गौ माताओं को लेके,
यदि आपने यानी कि 7 दिन के बाद हल्ला बोल करेंगे, धरना करेंगे हम वहाँ पे, और सीएमओ सर के यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यालय में हम ताला लगा देंगे, यदि इसके बाद कुछ भी नहीं किया गया तो हम काफी इसके हम धरना देंगे इसके लिए। वहीं अजय, जिस तरीके से नपा कर्मियों के वेतन को लेकर भी मांग उठाई जा रही है और कहीं ना कहीं अमरण अनशन की भी बात कांग्रेस की ओर से की गई है, क्या लगता है ये जो पूरा मामला है कर्मियों के वेतन को लेकर ये क्यों तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी, ये आसिम महेश्वरी जी है, नेता प्रतिपक्ष है, उनके द्वारा नगर पालिका के कर्मियों की जो वेतन के लिए मांग उठाई जा रही है, उनका कहना है उनके वेतन को नहीं बढ़ाया गया तो इस पे हम अनशन करेंगे। हेलो जी अजय जी, उनके द्वारा आसिम महेश्वरी जी का कहना है कि अगस्त के नगर पालिका वेतन ना बढ़ा तो उसके लिए अनशन किया जाएगा। ठीक है ठीक है, अजय सिकलवाब आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी इस खबर पर हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से आपने देखा कि विदेशों में अव्यवस्थाओं का दौर देखने को मिल रहा है और उसी को लेकर कांग्रेस की ओर से उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी गई है और नगर पालिका में ये ज्ञापन सौंपा गया है ताकि जल्द से जल्द अहम कदम नगर पालिका की ओर से उठाए जाएं और इन अव्यवस्थाओं को दूर करने की कोशिश भी की।